नमस्ते, मेरे चैनल हेल्दी एंड टेस्टी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट जैसी चिली पनीर। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे आप फ्राई राइस, नान, चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट जैसे चिली पनीर बनाने के लिए मैंने लिए 300 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं इस तरह। दो बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इसे भी मैंने इस तरह बड़े बड़े टुकड़े में काट लिए। और एक बड़े साइज के शिमला मिर्च लिए, इसे भी मैंने इस तरह बड़े बड़े टुकड़े में काट लिए। सबसे पहले हम पनीर को तल के तैयार करेंगे। पनीर तलने के लिए सबसे पहले हम मैदा कॉर्नस्टार का घोल बना के तैयार करेंगे। मैदा कॉर्नस्टार का घोल बनाने के लिए मैंने लिए एक बड़े बर्तन, इसमें डाल दूँगी मैं हाफ कप डाल रही हूँ कॉर्नस्टार। इसी कप से हम हाफ कप डाल रहे हैं मैदा और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ कसूरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम घोल बनाएंगे। घोल बनाने के लिए मैंने लिए 1 कप पानी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और घोल बना के तैयार करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं। ठीक घोल बना के तैयार कर लिए। मैंने 1 कप पानी लिए थे, इसमें 1/2 कप पानी यूज हुआ, 1/2 कप बच गया। अब इसे हम इसमें पनीर डाल के तलेंगे। पनीर तलने के लिए मैंने कढ़ाई पहले से गर्म कर लिया। अब इसमें डालेंगे 1 कप रिफाइंड तेल। देखिए मैंने 1 कप रिफाइंड तेल लिए। तेल को अच्छे से गर्म होने, जब तक गर्म होने तब तक हम इसमें पनीर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। हम आधा पनीर डालेंगे। और जिस तरह हम पकौड़ी तलते हैं उस तरह इसमें अच्छे से मैदा का कोटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तेल अच्छे से गर्म हो गए। अब इसमें हम एक एक करके पनीर डालेंगे। इस तरह करके सारे पनीर को हम तल के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम पनीर सारा डाल दिए, बाकी पनीर हम नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे। थोड़ा देर हो गया, अब इसे हम इस तरह से छनोटा लेंगे, इसे धीरे धीरे पलटेंगे। इस तरह करके सारे पनीर को पलट लेंगे। मैंने सारे पनीर को इस तरह से पलट लिए। हम 2 मिनट के लिए इसे पलट के इस तरह तल लेंगे। बच्चा वो घोल है, इसमें डालेंगे ये बची हुई पनीर। तो इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। मैंने सारे पनीर को इस तरह से मीडियम फ्लेम पे तल लिया। अब इसे हम निकालेंगे एक प्लेट में। इस तरह से हम एक प्लेट में निकालेंगे। सारे पनीर को मैंने इस तरह से एक प्लेट में निकाल लिए।
तरह से मैंने सारे पनीर को डाल दिए। इसे भी दोनों तरफ से पलट के अच्छे से तल लेंगे। इसे भी हम धीरे धीरे पलट लेंगे और नीचे से भी अच्छे से पकने देंगे। दोनों तरफ से पक गए। अब इसे भी इसी प्लेट में निकाल लेंगे। पनीर को निकाल लिए। बचे हुए तेल में हम डालेंगे 1/2 कप लहसुन। मैंने लहसुन के इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े कर लिए। फ्लेम को लो कर देंगे। 1/2 कप डालेंगे अदरक का टुकड़ा। अदरक भी मैंने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े में काटे हैं। और 4 हरी मिर्च लिए। मिर्च को भी लंबे लंबे टुकड़े में काटे। इस सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला लेंगे। हम फ्लेम को रखेंगे लो और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हम लहसुन और अदरक को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिए। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। सारे शिमला मिर्च को डाल दिए। अब इसे हल्का मीडियम फ्लेम कर देंगे और ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे। दो मिनट हो गए। हम शिमला मिर्च को चेक कर लेते हैं। मैंने शिमला मिर्च को 2 मिनट के लिए ढक के पकाए। शिमला मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो गई। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, जो मैंने बड़े बड़े टुकड़े में काट के रखे थे, और सारे प्याज को डाल दें। हम मीडियम फ्लेम पे ही ढक के पकाएंगे। प्याज को भी ढक के पकाएंगे। प्याज चेक कर लेते हैं। प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। देखिए प्याज भी थोड़ी सॉफ्ट लग रही है। हम आपको थोड़ा चेक करके बताते हैं। शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ा क्रंची रखेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से भून के हम इसे ज़्यादा नहीं पकाए हैं। हम हल्का क्रंची रखे। हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा कप सोया सॉस। और इसी से हम 3 कप डालेंगे टमाटर सॉस। दो कप और 1 कप 3 कप। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अच्छे से मिला लेंगे। आधा कप डालेंगे चिली सॉस। हम ग्रीन चिली सॉस डाले हैं। इसे अच्छे से मिलाएंगे।
और थोड़ा सा पानी। मैंने 2 कप पानी लिया। अब इसमें डालेंगे हम तला हुआ पनीर, इसे अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे। नमक को अच्छे से मिला लिए। अब 2 मिनट के लिए कवर करके पकड़ेंगे। दो मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। ये देखिए रेस्टोरेंट जैसा चिल्ली पनीर बनके तैयार है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी है। रेस्टोरेंट जैसे चिल्ली पनीर बनके तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 1 प्लेट में सर्व करेंगे। मैंने इस तरह का 1 प्लेट लिया, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी है, जैसे चिल्ली पनीर बनके तैयार है। इसे आप फ्राई राइस, चपाती, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। और मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।